संगठन राजधानी रायपुर के बड़े खबर संघ जिया बता देवन, आज संझा रायपुर दक्षिण में चुनाव प्रचार थम जाही। तो बता देवन कि सीएम विष्णुदेव साय आज भव्य रोड शो करैया है। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी बार जन समर्थन जुताही हुए। बता देवन पूर्व राज्यपाल रमेश बैस, रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव रोड शो कर ही। तो बड़े खबर आपला बता था ना, आज मंझनिया 2 बजे जयस्तंभ चौक ले रोड शो शुरू हो गया है। मंझनिया 2 बजे ले संझा 5 बजे तक रोड शो हो वाले है रायपुर दक्षिण मा। तो रोड शो मा कई मंत्री विधायक शामिल रहे वाले है। सुनील सोनी पर जन समर्थन जुटाए में लगिन है, दमखम झोंकत है, आखिरी समय बचे है, अब कुछ ही क्षण प्रचार के बचे हुए है। कुछ घंटा मा रायपुर दक्षिण के जिन प्रचार है वो थम जाही। एकर ले पहली आपला बता दे की बीजेपी की ओर ले पूरा मैदान मा दम झोंक दे गए है, ताकत झोंक दे गए है। सीएम विष्णुदेव साय के संग कई मंत्री और विधायक मन कलू आज रोड शो कर रैया है। तो मंझनिया 2 बजे रोड शो की शुरुआत हुई और संझा 5 बजे तक ये रोड शो हो गया है। एक खबर पर ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी हमारे संग जुड़ चुके हैं। अनमोल, रायपुर दक्षिण के उपचुनाव पर आज प्रचार के अंतिम दिन है, आज प्रचार थम जाही, आज भव्य स्तर पर रैली निकाली जाते बीजेपी, कौन कौन शामिल हुई है रैली में? बिल्कुल देखिए महिमा, आज जो है अंतिम दिन है प्रचार प्रसार का रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए। तो आज दोनों ही पार्टी अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगी, शक्ति प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मेगा रोड शो निकाला जाएगा भाजपा की तरफ से। इसमें सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे और पूरा एक जो है राउंड लगाया जाएगा रायपुर दक्षिण का। जो मुख्य चौक चौराहे हैं सदर बाजार, मालवीय रोड, पुरानी बस्ती, लाखे नगर, इन तमाम जगहों पर जो है ये रोड शो जो है गुजरेगा होकर। तो कुल मिलाकर देखिए तैयारी इस बात की है कि आज आखिरी दिन है तो आज पूरी ताकत झोंक दिया जाए और एक आखिरी में जाते जाते प्रचार में एक माहौल बनाकर तैयार किया जाए बीजेपी के पक्ष में मतदान के लिए। यही कोशिश जो है आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करते हुए नजर आएंगे महिमा। बिल्कुल बिल्कुल, तो आज मुख्यमंत्री भी दमखम झोंके पर तैयार है। रायपुर दक्षिण के जो चुनाव के अंतिम चरण है वो चलत है और कुछ ही घंटा में चुनाव के प्रचार थम जाइए। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल। अभी बीच बात बलोदा बाजार की करबो, जी हाँ बड़े खबर है। बता देवन आज विधायक देवेंद्र यादव के पेशी हो या है फेर ले। तो बड़े खबर है आज विधायक देवेंद्र यादव के न्यायिक रिमांड खत्म हुआ थे, बलोदा बाजार सीजीएम कोर्ट में आप पेशी हो या है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो रहा है या फिर कोर्ट में भी पेश करे जा सकते हैं, अभी तय नहीं है। 17 अगस्त ले रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है विधायक देवेंद्र यादव। तो बलोदा बाजार में 10 जून के हो हिंसा मामला में विधायक देवेंद्र यादव रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है। तो लगातार आप लोग बता दे कि विधायक देवेंद्र यादव ला न्यायिक रिमांड में भेजे के बाद जब जब पेशी होते होकर न्यायिक रिमांड बढ़ा दे जाते। अब आज देखना हुई कि आखिर क्या होते, आज एक बार फिर बड़े पेशी है, आज विधायक देवेंद्र यादव के पेशी हो गया है। अब लोग बता देवन न्यायिक रिमांड आज खत्म हुआ थे विधायक देवेंद्र यादव के, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या फिर कोर्ट में भी पेश होकर के पेशी हो सकते, अभी तय नहीं करेंगे है। वैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही ज्यादातर पेशी होते। 17 अगस्त ले रायपुर सेंट्रल जेल में विधायक देवेंद्र यादव बंद है। तो बलौदा बाजार हिंसा हो रही से 10 जून के हिंसा के मामला में विधायक देवेंद्र यादव यहां सेंट्रल जेल में बंद है। तो बता देवन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकते यहां पेशी 17 अगस्त ले रायपुर जेल में, रायपुर के सेंट्रल जेल में विधायक देवेंद्र यादव बंद है और लगातार जब जब पेशी होते वो न्यायिक रिमांड लाभ बढ़ा दे जाते। तो आज एक बार फिर न्यायिक रिमांड खत्म हुआ थे और विधायक देवेंद्र यादव के पेशी हुआ है। मोर संग एक खबर पर ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी जुड़ चुके हैं। अनमोल, आज फिर विधायक देवेंद्र यादव के जो न्यायिक रिमांड है वो खत्म हुआ थे और आज फिर पेशी हुआ है, कैसे आखिर पेशी हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या फिर कोर्ट ले जाए जाही? बिल्कुल देखिए महिमा, बहुत बड़ी खबर है आज क्योंकि लगातार देवेंद्र यादव जो विधायक हैं विलाई नगर से, उनकी जो पेशी है वो होती रही है और लगातार जो है इनकी जो रिमांड है वो बढ़ती रही है और आज भी उम्मीद ऐसी है कि रिमांड एक बार फिर से कोर्ट में बढ़ा दी जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है आज पेशी हो सकती है चूँकि रायपुर सेंट्रल जेल में देवेंद्र यादव बंद है और बलौदा बाजार के कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है। देखिए ये पूरा बलौदा बाजार हिंसा से जुड़ा हुआ मामला है, हिंसा भड़काने का आरोप जो है देवेंद्र यादव पर लगा हुआ है।
हुआ है, तो लगातार इस पर पुलिस जो है छानबीन कर रही है, और इसीलिए जब जब पेशी हो रही है कोर्ट में इनकी, तो रिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि नए नए सबूत जो है, नए नए साक्ष्य जो है पुलिस को मिलते जा रहे हैं। यही वजह है कि और तह तक जाने के लिए पुलिस जो है इनकी रिमांड बढ़ाने की मांग करती है कोर्ट से, और कोर्ट रिमांड दे देती है। आज भी उम्मीद है कि आज भी जो है देवेंद्र यादव की फिर से एक बार रिमांड बढ़ सकती है। महिमा बिल्कुल बिल्कुल अनमोल, तो न्यायिक रिमांड एक बार फिर बढ़ सकते हैं, जैसे कि लगातार जब जब पेशी हुई से न्यायिक रिमांड बढ़ी से। अब देखना हुई कि आखिर आज पेशी हुई के बाद का होते, तमाम जानकारी पर अनमोल आपके बहुत बहुत शुक्रिया। आगू बात अब केस काल की करबो, जी हाले बड़े खबर है। जी हाँ, दो ट्रक में आपस में भिड़ंत हो गए। बता देवन हादसा में ट्रक के पर खच्चा उड़ चुके हैं, ट्रक के भीतर ड्राइवर फंस गए से। जी हाँ, पुलिस प्रशासन आ कड़ा मशक्कत के बाद ट्रक में फंसे ड्राइवर ला बाहर निकाले से। तो बता देवन ड्राइवर के कमर के नीचे के हिस्सा पूरा तरह ले चकना चूर हो चुके हैं। केस काल अस्पताल में प्राथमिक उपचार दे के बाद उला रेफर कर दे गए है। सड़क ऊपर खड़ा दुर्घटनाग्रस्त ट्रक ला हटाए के कवायद अब शुरू हो चुके हैं। तो केस काल ले आपला बड़े खबर बताते हैं। जी हाँ, दो ट्रक के आपस में भिड़ंत हो गया, दो ट्रक के आपस में भिड़ंत हो ले जिन ड्राइवर है वो बता देवन ट्रक के भीतरी फंस गए रही से। जी हाँ, पुलिस प्रशासन के मदद ले यहाँ ड्राइवर ला बाहर निकाले गए। बताया जाते हैं कि कमर के नीचे के हिस्सा के ड्राइवर के पर खच्चा उड़ गए, ट्रक के गलों पर खच्चा उड़ गए है। प्राथमिक उपचार पहले यहाँ अस्पताल में केस काल के कराए गए, उकर बाद ओला रेफर कर दे गए। खबर ऊपर ज्यादा जानकारी संग ज्यादा अपडेट संग हमारे सहयोगी नीरज उपाध्याय हमारे संग जुड़ चुके हैं। नीरज, बड़े हादसा हुए है, ट्रक यहाँ टकरा गए है, पर खच्चा ट्रक की उड़ गया, अभी ड्राइवर की स्थिति का है? जी महिमा बिल्कुल, देखिए कल रात लगभग 11 बजे की ये घटना है। ओवर स्पीडिंग और ओवरटेकिंग के चलते दोनों ट्रकों के आमने सामने भिड़ंत हो गई थी, और भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रकों के सामने के परखच्चे उड़ गए और ट्रक में आग भी लगनी शुरू हो गई थी। हालांकि केशकाल पुलिस के जवानों ने अपने सूझबूझ का परिचय देते हुए आग को बुझा लिया, लेकिन एक ट्रक का ड्राइवर जो है वो बुरी तरह से फंसा हुआ था ट्रक के अंदर। लगभग 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उस ड्राइवर को बाहर निकाला गया। ड्राइवर की कमर के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है। केशकाल अस्पताल में उसे प्राथमिक उपचार दिया गया है, उसके बाद बेहतर इलाज के लिए उसे कांकेर रेफर कर दिया गया। बिल्कुल 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 नीरज, तो अब यहाँ प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिए गए हैं, और लगातार प्रशासन की टीम ट्रकला हटाए के कवायद में जुट गए। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच अब खबर राजधानी रायपुर के है। जी हाँ, मतदाता जागरूकता करे बर स्वीप रैली, बाइक रैली निकाले जाते, तो देख सकत हो आप ला तस्वीर भी अब दिखाबो। जी हाँ, स्वीप बाइक रैली कलेक्ट्रेट परिसर ने निकाले जाही। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में वोटिंग बढ़ाए ला लेके मतदाता मन ला जागरूक करे बर रैली निकाले जाते। तो यही बीच हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी हमारे संग जुड़ चुके हैं। अनमोल, यहाँ बाइक रैली निकाले जाते, मतदाता मन ला जागरूक करे बर स्वीप बाइक रैली निकाले जाते, का कुछ तस्वीर है राजधानी रायपुर के, रायपुर दक्षिण के? बिल्कुल महिमा, देखिए मैं वहीं पर हूं इस वक्त जहां पर बाइक रैली निकाली जा रही है। देखिए हम लोग अभी कलेक्ट्रेट परिसर के पास है जहां से बाइक रैली की शुरुआत हो रही है। ये वही जगह है जहां से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जो है बाइक रैली निकाली जा रही है। तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कि बाइक रैली में आपको महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। महिलाएं जो है मोर्चा संभाल रही है, और इनके जो स्कूटी है, बाइक है, उसके सामने लिखा हुआ है कि मतदान ज़रूर करें। जिला निर्वाचन आयोग के तरफ से जो है ये स्वीप बाइक रैली निकाली जा रही है। देखिए 13 तारीख को जो है रायपुर दक्षिण में उपचुनाव होना है, इसीलिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रैली निकाली जा रही है। देखिए किस तरीके से यहाँ स्लोगन लिखे हुए हैं, चलो चले करें मतदान, लोकतंत्र की बढ़ाए शान। तो ये तमाम जो नारे हैं और स्लोगन है, इसको लेकर महिलाएँ जो है आज निकली हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। आप लोगों को जागरूक करने के लिए निकली हैं? जी सर जी, हम लोग मतदान 100% मतदान कराने के लिए निकले हैं। तो देखिए सुबह सुबह का समय है, और ये सारी तमाम महिलाएं, आप पीछे भीड़ देख लीजिए, ये सारी महिलाएं और पीछे पुरुष भी नजर आ रहे हैं, हाथ और मैं अपने जो है बैनर पोस्टर लिए जो है लोगों को जागरूक करने निकले हुए हैं। इनके स्कूटी पे भी लिखा हुआ है प्रजातंत्र से नाता है, भारत के मतदाता है। क्या मतदाताओं को बोलेंगे? हाँ सर, यही बोलूंगी, अपना मतदाता मत खोइए, आप जरूर जाइए वोट डालने। और देखिए इधर जो है नृत्य के माध्यम से भी जो है मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। आप देखिए ये पूरा देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर नृत्य किया जा रहा है, और
स्लोगन जो है वो लगाए जा रहे हैं लगातार कि मतदाता जो है जागरूक हो, ज्यादा से ज्यादा वोट हो। 13 नवंबर को रायपुर दक्षिण में उपचुनाव होना है, 23 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे, ये बताओ क्या संदेश लेकर जा रहे हो? हम चाहते हैं कि दक्षिण उपचुनाव में 100% मतदान हो, क्योंकि मतदान का प्रतिशत बढ़ना मेरे देश की ताकत है, लोकतंत्र की ताकत मतदान है। इसलिए हम हर मतदाता के पास जाकर यह संदेश देना चाहते हैं कि अपने वोट की ताकत को पहचानो, घर से बाहर निकलो और देश की ताकत बन जाओ। बिल्कुल, तो देखिए संदेश एक ही है कि घर से निकलिए, मतदान कीजिए, क्योंकि मतदान बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल अनमोल, तो मतदान बहुत जरूरी है और मतदाता जागरूकता पर कई कार्यक्रम चलाए जाते, कई अभियान चलाए जाते, वो आज बाइक रैली निकाले जाते और नृत्य के माध्यम ले आज मतदाता जो कि रायपुर दक्षिण की मतदाता मन है ओमला जागरूक करे जाए ताकि 100% मतदान हो सके। ये तमाम तस्वीर दिखाई पर, ये तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल। अब बात करते हैं कोंडा गांव के, जी हां, जिला में विभिन्न थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति मन के पहचान कर उमन पर कार्रवाई करते हुए 23 लोगन मला गिरफ्तार करेंगे। बता देवन की कोंडा गांव थाना प्रभारी सौरभ उपाध्याय बताई से कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिला में संदिग्ध के खिलाफ ये मुहिम चलाए जाते, ये अभियान के दौरान वो लोगन मन पर विशेष ध्यान देगी से जो अन्य राज्य ले आए हुए है और जिला में बिना आवश्यक सूचना देके घूमत है। पकड़े गए संदिग्ध में पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड के निवासी शामिल हैं। पुलिस के कहना है कि यह अभियान आगू भी लगातार जारी रही ताकि जिला में शांति व्यवस्था बने रहे और कोई भी प्रकार के आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाया जा सके। कुंडागांव के अंतर्गत जो भी व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में पाए जा रहे हैं उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तात्पर्य में हमारे द्वारा लगातार अभी आसपास के क्षेत्रों पे नाकाबंदी और सघन जांच चेकिंग की अभियान चलाया जा रहा है। इसी तात्पर्य में आज सुबह भी थाना कुंडागांव की टीम के द्वारा आसपास के क्षेत्रों में सघन जांच की जा रही थी। इसी दौरान हमें 23 संदिग्ध व्यक्तियों के संबंध में जानकारी मिली थी, उन्हें गिरफ्तार किया गया जहाँ से उन्हें माननीय न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया गया था और उन्हें रिमांड पर जेल दाखिल किया जा रहा है। अब बात रायपुर दक्षिण उपचुनाव की कर लेते हैं। जी हाँ, रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में वोटिंग करे वाले लोगन मल्ला बड़े छूट मिले वाले हैं। बता देवन उंगली ऊपर लगे स्याही के निशान दिखाए ऊपर शहर के होटल रेस्टोरेंट में 30% तक की छूट मिले वाले हैं। रूम बुकिंग, मेन्यू आउट, बफे में बता देवन अलग अलग होटल में मिली 5 दिन की आकर्षक ऑफर। संगमाही बता देवन की सुख सागर, मंजू ममता, मेफेयर, बेबी लॉन और संगमाही फेयर वे होटल में डिस्काउंट मिले वाले है। रायपुर दक्षिण में मतदान ज्यादा हो यही बार जिला प्रशासन और व्यापारी मन मिलके डिस्काउंट देके फैसला लेने है। तो अब बता देवन की आप मन वोट दे रायपुर दक्षिण उपचुनाव में जाके अपन हाथ के स्याही ला दिखाऊ तो होटल मन मा आप मन ला 30% तक के डिस्काउंट मिली। अब खबर केसकाल के है, जी हां, लंबा समय के इंतजार के बाद आखिरकार केसकाल घाट में सड़क नवीनीकरण कार्य के शुरुआत हो गई है। बता देवन कोंडा गांव कलेक्टर रविवार के अधिकारी मनसंग नवीनीकरण कार्य पर निरीक्षण करे पर पहुंचे रहे हैं। इस दौरान कलेक्टर है पैदल भ्रमण कर सब मोड़ के जायजा लीन है। संघ राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के कार्यपालन अभियंता ला उच्च गुणवत्ता के संग तेज गति ले निर्माण कार्य पूरा करे के निर्देश घलो दीन है। एकर अलावा बेड़मा और संग माही खाले मुरवेड़ के निर्माणाधीन पुल के काम घलो 25 नवंबर तक पूरा करे के निर्देश मल्ला दे देंगे है। नवीनीकरण में गुणवत्ता के विशेष ध्यान रखे जाए एकर बर सख्त निर्देश कलेक्टर द्वारा देंगे है। केसकाल घाट के अंतर्गत सड़क नवीनीकरण एवं कंक्रीटीकरण का कार्य आज से प्रारंभ किया गया। इसमें संपूर्ण यह प्रयास किया जा रहा है कि जो ट्रैफिक के डाइवर्टेड रूट लगाए गए हैं उसमें ट्रैफिक की स्थिति नॉर्मल रहे, किसी भी यात्रीगण को कोई भी इनकन्वीनियंस का सामना ना करना पड़े और घाट में भी हमने जो हमारा वर्क प्लान है उसको और ज़्यादा एक्सपीडाइट करने के लिए मशीनरी की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए और जो चाल है उसको और बढ़ावा देने के लिए आज मैंने स्वयं ने भी निरीक्षण किया था। प्रशासन ने पुख्ता एकदम कड़े निर्देश दिए गए हैं कि गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कोताही ना की जाए, अगर कहीं से ऐसी शिकायत मिलती है, ऐसा देखने को मिलता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अब बात कर वो मुंगेली जिला के, जहां इतवार के आंवला नवमी मनाई गई। यहाँ के हाथी निकला के शक्ति माई मंदिर मा आंगन मा लोगन मन आंवला पेड़ के पूजा करें और पेड़ तरी बैठ के प्रसाद खाए। किसी हिंदू मान्यता के अनुसार आंवला पेड़ मा लक्ष्मी और नारायण के वास होते। कार्तिक माह के नवमी के दिन आंवला पेड़ के पूजा करते और उकर नीचे प्रसाद खाए ले सब मनोकामना पूरा होते। हर वर्ष यहाँ पे पिछले 4-5 सालों से यहाँ पे हर वर्ष हम लोग पूजा करते हैं। पिकनिक स्पॉट टाइप का बन गया है, सब लोग आते हैं यहाँ पे पूजा करते हैं और आंवला के नीचे खाना भी खाते हैं प्रतिवर्ष। और यहाँ अक्षय नवमी के नाम से हम लोग यहाँ पर मनाते हैं, आंवला नवमी जिसको बोला जाता है। अब चला आगू बढ़तन, बता देवन की यहाँ जसपुर के बात करबो, जहाँ जनजातीय सम्मेलन के आयोजन करेंगे है। 13 नवंबर के जनजातीय गौरव दिवस मनाए जाही, जिमा केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया संगमाही मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होए वाले है। बेरा बाद जनजाति समाज के मनहा पदयात्रा घलो निकाली। जसपुर के रणजीता स्टेडियम में कार्यक्रम होवैया है। जिला प्रशासन हा कार्यक्रम के तैयारी में जुटे है। कलेक्टर SP और अधिकारी मनहा कार्यक्रम स्थल के जायजा लेस और आवश्यक दिशा निर्देश घलो कार्यक्रम पर दे गिस है। अब बात करते हैं राजधानी रायपुर के, जहां सांसद बृजमोहन अग्रवाल के पर्यटक वाले बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पलटवार सामने आ गए हैं। कहीं से कि बृजमोहन अग्रवाल खुद पर्यटक बने हुए हैं, पार्टी या बृजमोहन अग्रवाल ला बेदखल कर दी से, संघी पार्टी हा मंत्रिमंडल ने गलो हटा दी से। संघ सवाल पूछते हुए कहीं से कि सांसद बन के दिल्ली काहे पर भेज देगी। वह बृजमोहन अग्रवाल ऊपर अकेला चुनाव प्रचार के हवाला देते हुए बीजेपी नेता ऊपर घलो सवाल खड़ा करे है। चुनाव के 15 दिन पहले पूरी कांग्रेस पार्टी आती है, 15 दिन बाद गायब हो जाती है। जरा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जिन्होंने चुनाव लड़ने के लिए खाली दक्षिण विधानसभा में आते हैं, उसके बाद कोई पता ठिकाना उनके चिट्ठी का एड्रेस भी नहीं होता है। ताकि जो लोकल नेता हैं, चाहे वो भूपेश बघेल जी हों, चाहे चरणदास महंत हो, चाहे TS बाबा हो, चाहे दीपक बैज हो, उनको भी आकर्षण था दक्षिण विधानसभा का कि अरे सब लोग बोलते हैं दक्षिण विधानसभा घूमने का क्षेत्र है, तो वो भी घूम रहे हैं। मोहब्बत क्यों आ गई भाई, उसको तो जनता ने जिताया था। भारी बहुमत से आज तक के वो लहर में नहीं जीते थे, उससे ज्यादा वोट जीते थे। और उसकी पार्टी ने उसे क्यों बेदखल कर दिया, दिल्ली क्यों भेज दिया, मंत्रिमंडल से क्यों हटा दिया, वो खुद पर्यटक बने हुए हैं। अब अगला खबर मैनपाट के, जहां मैनपाट इलाका के रामानुज नगर वन पर क्षेत्र के प्रेम नगर बीट में बड़े घटना सामने आए, जहां हाथी के दल हा दू मासूम लड़का मल्ला पटक के मार डाले है। दरअसल झोपड़ी मा पंडो ग्रामीण भीखू अपन 5 लड़का मन सोत रही से, यही दौरान रात मा हाथी के दल वन के झोपड़ी के पास आ पहुंचे, जहां ग्रामीण मन अपन 2 लड़का ला लेके पास अपन पिता के घर भागे। वह झोपड़ी में मौजूद 3 लड़का मल्ला 1 लड़का ला हाथी हा देख के घर में छुप गए रही है। बता देवर ये दौरान पहुंचे हाथी मन के दल हा 2 लड़का मल्ला पटक के उमन के जाल ले ली है। वह हाथी मन के दल ले 4 कच्चा मकान समेत घर में रखे सामान के और राशन ला यहाँ किसान मन के धान समेत अन्य फसल मन ला हाथी मन घलो नुकसान पहुंचाए है। वो जो दल था उसका मूवमेंट उधर पहाड़ी की तरफ हुआ और एक घर को तोड़ रहा था, जिसमें माता पिता और 2 बच्चे थे। माता पिता ने तो भाग के अपनी जान बचा ली, लेकिन बच्चे चपेट में आ गए, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस विभाग की टीम ने मौके पर पहुंच करके EM वगैरह करा के तत्कालिक सहायता की जो राशि होती है वो 25,000 रुपये उनके परिवार को उपलब्ध कराई है, और उनको जो शेष 5,75,000 प्रति व्यक्ति जो है उसको हम लोग जल्दी से जल्दी परिवार को उपलब्ध कराएंगे। हाथी के चपेट में आ गया, वो घर भी ऐसा है केवल छींद से छवाया है और बल्ली से अपना घुरान कर दिया है। तो अभी समझाइश दिया गया है और उनको अपने सामने हम लोग जो है प्रेम नगर के लिए रवाना कर दिए, और यहाँ 4 घर और हैं उनको भी जो है यहाँ से खाली करें।
इवीज राजधानी रायपुर ले बड़े खबर है जी। रायपुर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के मामला सामने आया। आपला बता देवन की मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में एमबीबीएस के सीनियर छात्र मना जूनियर के पिटाई करिन है। कॉलेज के सीनियर छात्र अपन जूनियर मन के सिर मुड़वाए और क्लीन सेव कराए के जबरदस्ती परेशान करिन है। रैगिंग मन के बता देवन जूनियर छात्र मन आकर विरोध करिन है तो दू छात्र मन के सस्पेंड घलो कर देगी। बता देवन जूनियर छात्र मन के शिकायत मा कहे की शारीरिक प्रताड़ना करेंगे है, मारेंगे है, सब बोला एक जैसे कपड़ा पहने के नसीहत गलो देंगे है। अपन सीनियर के व्यवहार ले जूनियर छात्र मन काफी समय ले परेशान चलत रही है। तो रायपुर ले बड़े खबर बताता जो रायपुर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के मामला सामने आया है। मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में एमबीबीएस के सीनियर छात्र मन जूनियर के पटाई करिन है। खबर पर ज्यादा जानकारी संग हमर ब्यूरो चीफ मृगेन पांडे जी हमर संग जुड़ चुके हैं। मृगेन जी, रायपुर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के मामला सामने आया है, का है पूरा मामला, का कार्रवाई हुआ थे मां? देखिए, रायपुर मेडिकल कॉलेज प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है और यहां से जो रैगिंग का मामला सामने आया है और लंबे समय बाद इस तरह की घटना सामने आई है। और खास बात यह है कि जो रैगिंग की शिकायत कर रहे थे छात्र, उन्हीं को सस्पेंड कर दिया गया जिसका विरोध हो रहा है। और ये बताया जा रहा है कि जो छात्र है, छात्र संगठन है वहाँ जूनियर डॉक्टरों के, वो मंत्री और डीन से मिलने जाने वाले हैं और इस मामले में सीनियर छात्रों पर कार्रवाई, क्योंकि इस ये पूरा मामला रायपुर मेडिकल कॉलेज का है और हर कॉलेज में सरकार ने एंटी रैगिंग कमेटी का गठन किया है। तो उस एंटी रैगिंग कमेटी के कामकाज पे भी सवाल उठता है, क्योंकि जूनियर छात्रों को संरक्षण देने का काम होता है इस कमेटी का, ये कमेटी भी संरक्षण देने में फेल रही है। तो इस लिहाज से एंटी रैगिंग कमेटी को भी की भी शिकायत जो है छात्र करने वाले हैं। बिल्कुल, तो मिलाकर ये मामला अब जो है तूल पकड़ता जा रहा है और बिल्कुल बिल्कुल ब्रिगेन जी, अब मामला तूल पकड़ा जाते, अब छात्र मन डीन ले मुलाकात करी और एंटी रैगिंग के जो टीम बनाए गए है ओहू ले मुलाकात करिए। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया।